हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ज़ेब्रोनिक्स के 32 इंच के एलईडी कर्व मॉनिटर को। इस प्रोडक्ट का रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज और इसका कर्वेचर है 1500। ये प्रोडक्ट परचेज किया गया है ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न से। आप देख सकते हैं ये किस तरह से पैक हो गए। अमेज़न के द्वारा डिलीवर किया गया है। कुछ इस तरह की पैकिंग इन्होंने कर रखी है प्रोडक्ट की। चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं ताकि प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ और बातचीत हो सके। ये टेप्स कट कर दी गई हैं और इसके ऊपर की कवरिंग को रिमूव किया जा रहा है टेप्स को हटाने के बाद। इसके ऊपर की कवरिंग रिमूव हो चुकी है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट का मेन बॉक्स अवेलेबल है जो कि एक पॉलीथीन कवर के अंदर पैक्ड है। इस पॉलीथीन कवर को हटा लेते हैं और ये मेन प्रोडक्ट का बॉक्स है जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। हम धीरे धीरे इन स्पेसिफिकेशंस को भी पढ़ेंगे। ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब AC32 फुल HD LED प्योर पिक्सल इंपोर्टेड बाय ज़ेब्रोनिक्स इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ऑन 7/2022 जेनरिक नेम ज़ेब्रोनिक्स मॉनिटर कंट्री ऑफ ओरिजिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना MRP 44,999 डायमेंशन वारंटी इसकी 3 साल की होती है और ये ज़ेब्रोनिक्स के ईमेल वगैरह हैं कंप्लेंट के लिए। नेट क्वांटिटी 1 यूनिट है। इंपोर्टेड ऑन 8/2022 मॉडल नंबर है ज़ेब AC32 FHD LED। पैकेज कंटेंट्स में 1 यूनिट मॉनिटर 1 यूनिट बेस 1 यूनिट स्टैम DP केबल 1 यूनिट पावर अडाप्टर 1 यूनिट पावर कोड 1 यूनिट और यूजर मैनुअल 1 यूनिट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये मेंशन की हुई हैं एज यू कैन सी एट द लास्ट ज़ेब्रोनिक्स फॉर लाइफ जो कि इनका स्लोगन है। ये कुछ इस तरह की पैकिंग कंपनी की तरफ से होकर आती है और इस तरफ देखें तो ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग इस तरफ भी है ज़ेब AC32 FHD LED प्योर पिक्सल और इसमें देखने को मिलता हमें HDMI पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट फुल HD मॉनिटर है हेडफोन जैक है USB पोर्ट फॉर चार्जिंग है मेटल स्टैंड है बिल्ट इन स्पीकर्स हैं और भी कई चीज़ें हैं एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन। और स्टैंड लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये। इसके टेप्स को हटा के मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ये बॉक्स ओपन हो गया है। ये कुछ इस तरह से पैक्ड है अंदर काफ़ी सेफ्टी के साथ पैक किया कंपनी ने इसको। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये इसका स्टैंड है जिसके ऊपर मॉनिटर रेस्ट करेगा। एक स्क्रू की हेल्प से ये स्टैम के अंदर फिट हो जाएगा और ये मेटल का स्टैंड है। एज यू कैन हियर इट साउंड एज वेल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। और ये स्टैंड का स्टेम है जो कि मॉनिटर और इस स्टैंड को
कनेक्ट करेगा स्क्रूज की हेल्प से। ये भी मेटल का है और ये यहाँ से मॉनिटर के अंदर जाके फिट होगा स्क्रूज की हेल्प से। ये स्टैंड और स्टैम दोनों आपस में अटैच होंगे, तब जाके मॉनिटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा जिस पर मॉनिटर रेस्ट करेगा। और इसमें ये इस मॉनिटर का पावर अडॉप्टर है। ये पावर अडॉप्टर इस कंपनी का अपना नहीं है, ये इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवाया हुआ है। खैर क्या कह सकते हैं, चाइनीज कंपनी है। ये डीपी केबल है जो कि इस मॉनिटर के साथ ही आती है। As we all know, DP port is the successor of HDMI port. As you can see, और ये पावर अडॉप्टर की एक्सटेंशन केबल है जो कि मेन बोर्ड से पावर को अडॉप्टर तक पहुंचाएगी। इसे भी साइड में रख देते हैं। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे। शीट हटाने के बाद ये हमारा मेन मॉनिटर है, मेन प्रोडक्ट है जो कि पॉलीथिन के अंदर पैक है। और ये इसकी यूज़र मैनुअल है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए इस यूज़र मैनुअल को रेफ़र कर सकते हैं। इस पॉलीथीन कवरिंग को हटा लेते हैं पहले सो दैट आवर मॉनिटर कुड बी विजिबल इजीली। पॉलीथीन कवरिंग हटा ली है और अब आप मॉनिटर का एक्चुअल विजुअल देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसके कनेक्टिंग पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनमें आप देख सकते हैं HDMI पोर्ट होता है, डिस्प्ले पोर्ट होता है, USB पोर्ट फॉर चार्जिंग होता है, एक DC पोर्ट भी होता है जो मॉनिटर को पावर देगा और एक हेडफोन जैक के लिए भी एक पोर्ट होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट आपको अवेलेबल होते हैं, आप HDMI और DP दोनों ही तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसी आपके पास अवेलेबिलिटी है केबल्स की और डिवाइसेस की। और यहाँ पे इसका स्टैंड फिट होगा
स्क्रूज की हेल्प से, जो कि अभी थोड़ी देर में करेंगे हम। आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं, वॉल माउंट के लिए भी इसमें होल दिए हुए हैं। ये इसका फ्रंट पैनल है, कुछ ऐसा दिखाई देता है मॉनिटर का। इसके बेजल्स काफी स्लिम है। अब हम इस मॉनिटर पर स्टैंड को माउंट करेंगे स्क्रूज की हेल्प से। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ पांच स्विच दे रखे हैं, जिनमें पावर स्विच है, अप डाउन स्विच है, मेनू स्विच है, सेलेक्शन स्विच है, मैनुअल कंट्रोल्स के लिए इन स्विचेस को यूजेस में ला सकते हैं। अब हम इस पे स्टैंड फिक्स करने के लिए ट्राई करते हैं। स्टैंड के स्क्रूज मॉनिटर के अंदर ही टाइट करके रखे हुए होते हैं उनके होल्स में, वहाँ से हमें उन स्क्रूज को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पहले निकालना पड़ता है। जैसे ये स्क्रूज निकाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी केयरफुली निकालना आपने इन स्क्रूज को। और अब इसको उन स्क्रूज की हेल्प से फिक्स करना है। इन स्क्रूज को वापस उसी जगह पे लगा देंगे जहाँ से निकाला था स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, और अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये मैग्नेट्स हैं जो कि स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं, क्योंकि अगर स्क्रूज बॉडी के अंदर रह गए तो वो फिर ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, निकालने मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब इसके स्टैंड को फिक्स करेंगे, मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करें। और ये स्टैम फिक्स करेंगे, अब हम स्टैम के अंदर से स्क्रू निकाल के इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया हमने, टाइट कर दिया, और ये स्टैंड पे माउंट हो गया हमारा मॉनिटर। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एज यू कैन सी। ये फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इस मॉनिटर का, आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इसका लुक्स हम देख चुके हैं। इसमें स्टैंड माउंटिंग का प्रोसेस भी हम देख चुके हैं। अब हम इसके पिक्चर क्वालिटी को देखेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, 4K क्वालिटी में ये वीडियो चल रहा है, और आप इस 4K क्वालिटी की चलती हुई वीडियो को देखकर इसकी पिक्चर क्वालिटी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। ये मैंने इसी मॉनिटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 4K क्वालिटी में प्ले किया हुआ है इस वीडियो को, आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं कैसी पिक्चर क्वालिटी है। ये मॉनिटर यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, और मुझे
ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। और आप इसको जनरल और मॉडरेट लेवल की वीडियो एडिटिंग के लिए भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग के लिए ये मॉनिटर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आपको इसमें कलर ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी बहुत एडवांस लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर आप सिनेमेटिक वगैरह काम करते हैं, उसमें फिल्मी काम करते हैं, बाकी जनरल यूजर्स के लिए और मॉडरेट और बिगनर लेवल के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए ये मॉनिटर बहुत अच्छा है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।